हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गणेश एजेंसी। आपको कोई भी कंपनी का अगर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर के बारे में पूरा डिटेल्स में ही एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट है जो हम लोग लेके चलते हुए सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो सिक्योरिटी में ज्वाइनिंग का पहला प्रोसीजर होता है आपकी क्वालिफिकेशन को लेके, ठीक है, कि आपने क्वालिफिकेशन क्या की हुई है। तो आप बता सकते हैं हमने 10th की 12th की या डिग्री की हुई है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा जाता है अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। ये हर एक कंपनी में आप मैंडेटरी रख लो, पूछना ही पूछना है अबाउट योर सेल्फ, या इसको हिंदी में भी बोलता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो हम बोलने शुरू हो जाते हैं, हमारा नाम ये है, हम गांव यहाँ से है, इतना पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे मामा का नाम ये है। तो ये सब किसी को भी नहीं चाहिए, जितना शॉर्ट में आप बता सको उतना ईजी और अच्छा होता है, ठीक है। जैसे अपना नाम बताना, बता दिया आपकी क्वालिफिकेशन एंड कौन से स्टेट से आपने किया हुआ है, ये बता देना है। एंड उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा स्किल है, जैसे मैंने कंप्यूटर किया हुआ है, तो आई एम कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीट, ठीक है, रिटेड PGDCA है, ठीक है। तो ये हमने कंप्यूटर में ये किया हुआ है, तो ये सब अपने बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हो। इसके बाद होता है आपकी हाइट, ये सब चेकिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं ओनली क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस ही बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपके पास डाउट ना रहे। और कैसे भी जॉब्स को अप्लाई करना है वो तो हमारे पास है ही अवेलेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे हाइट एंड वेट ये सब मांगा जाता है। हाइट मिनिमम 6.5 या 5.6 भी रहेगा तो भी इजिली चल जाता है। वेट मिनिमम एक 50 kg प्लस होगा तो इजिली ज्वाइनिंग कर सकते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। एंड बिफोर एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आपने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, क्या काम किया हुआ है, तो ये सब बताना है। अगर आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं और आप बताओगे कि मैंने कॉल सेंटर में काम किया, तो इसका और उसका कुछ भी मैच नहीं है। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर में जा रहे हो और आप बोलोगे कि मैंने सिक्योरिटी में 6 साल काम किया है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। या आपने और भी दूसरे कोई पोस्ट में काम किया, होमगार्ड या कुछ भी, तो ये सब चीज़ आप उनको बता सकते हैं, ताकि ये सब आपको प्लस पॉइंट में ऐड हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कंपनी साइड से रूम एंड फूड की फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सारे लोगों को नीड्स नहीं रहती है, ऑलरेडी वो अपने फ्रेंड के रूम में या खुद का रूम होता है, वहाँ से रह के भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके पास कुछ भी सोर्स नहीं है, तो वो लोग कंपनी का रूम को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट आपको नीड नहीं है तो आप कंपनी का रूम मत लो, क्योंकि कंपनी के रूम में कभी ज़्यादा लड़के भी हो जाते हैं, कभी कम लड़के भी हो जाते हैं, एंड जो चार्जेस काटा जाता है वो सबको इक्वली काटा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग सोच लो। अभी ये हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, हाइट क्या चाहिए एंड बेसिक क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ये सब चीज़ आपको हो गया। ऑलमोस्ट आपके अंदर जो भी डाउट था, एज बता दूँ, हाँ एज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखो सिक्योरिटी में जा रहे हो 18 में मत जाओ, मिनिमम 19 होने दो, ठीक है। 19 से लेके 39 तक जो लोग भी है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद तो फिर कुछ जुगाड़ से ही आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग ही नहीं होगा, होगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा व्यवस्था, ये सब उसमें लग जाएगा आपका ज्वाइनिंग। तो ये हो गया, ठीक है, एज भी बता दिया। जाने से पहले आप लोग अपना ग्रूमिंग को नीट एंड क्लीन रखो, जैसे बाल है तो उसको काटो, साइड से छोटा करो, कान के पास बाल नहीं आना चाहिए, ये सिक्योरिटी में मैन होता है, ठीक है। दाढ़ी तो चलेगा ही नहीं वहाँ पे, पूरा नीट एंड क्लीन शेव करके जाना पड़ेगा। मूंछ आप कितना बड़ा भी रख सकते हो, ठीक है। जो भी कपड़ा पहन के जा रहे हो ट्राई करो टी शर्ट में, फुल शर्ट में जाना है, ठीक है, हाफ गेंजी ये सब में नहीं जाना है, दूसरा कोई भी टोपी वाला ये सब आता है वो सब नहीं, ऐसा जैसा मैंने डाल रखा वैसे ही जा सकते हो, ठीक है। पैंट में जींस ये सब नहीं डालना है, फॉर्मल डाल के जाने का ट्राई करो ज्वाइनिंग का टाइम में, ओके। आफ्टर ज्वाइनिंग होने के बाद आपको कंपनी साइड से यूनिफॉर्म दे दिया जाएगा, ड्यूटी टाइम में यूनिफॉर्म डालो, आफ्टर ड्यूटी में अंदर जो पहनना पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब हो गया। अभी आप लोग डायरेक्ट भी ज्वाइनिंग कर सकते हो, कोई भी आपके सोर्स में या सिक्योरिटी है तो वहाँ जा सकते हो, नहीं तो आप लोग हमारी गणेश एजेंसी की कोई भी ब्रांचेस विजिट कर सकते हो। कैसे विजिट करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहाँ पे आपको हमारे सभी ऑफिस का नंबर दिया गया है, आप किसी को भी एक कॉल करके बोल सकते हो मुझे सिक्योरिटी में ज्वाइनिंग करना है, क्या सैलरी पैकेज रहेगा,
तो जो सैलरी पैकेज जब चल रहा होगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली उस हिसाब से भी जा सकते हो अपने हिसाब से चॉइस करके। हमारे पास ऑल टाइप्स का जॉब्स रहता है, ओनली फॉर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल सेक्टर में ऑल साइड का हम लोग जॉब्स लेके आते रहते हैं। तो जिनको भी जो जिस टाइप्स का जॉब चाहिए इजीली हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हमारा पेड जॉब्स रहता है, हम लोग किसी भी टाइप्स का फ्री जॉब्स नहीं देते। गणेश एजेंसी पे फॉर द जॉब पे चलती है। क्या चार्जेस रहेगा? 3000 रुपीज़ हमारा जॉब चार्जेस रहता है एंड GST। जैसा कि अभी पता आप सबको माइंडेटरी हो गया है GST चार्जेस, तो इसका क्या रहेगा, 18% GST लगेगा, 540 रुपीज़, ठीक है। टोटल बिल हो गया 3540, ये ओनली वन टाइम पे करना है। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आप एक काम पे गए, अगर आपको विद इन 2 मंथ के अंदर में दूसरा जॉब चेंज करना है तो जो बिल हम आपको देंगे, फॉर एग्जांपल दिस टाइप का बिल रहता है, ठीक है, इसमें अमाउंट डिटेल्स आपका सब कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे दिया जाता है, बिफोर 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ नहीं, ठीक है। बिफोर 2 मंथ के अंदर जो गणेश एजेंसी गए हैं उधर भी दे सकते हो, नहीं दूसरे कोई गणेश एजेंसी है तो वहाँ पे जाके बिल दे दो और बोलो कि मेरे को ये जॉब चाहिए, तो आपको दूसरा जॉब दे दिया जाता है। देखो हम लोग आपसे पेमेंट तभी लेंगे जब आपका जॉब का पूरा कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जॉब का कोई गारंटी नहीं आता पता ही नहीं है और आप पेमेंट कर दिए और वेट कराएंगे दूसरा कंसल्टेंसी जैसा, ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास। कंफर्म हो गया कंपनी तरफ से कि हाँ इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा तभी हम आपको बिल दे देते हैं और बिल दे के बाद में आपको काम पे भेज देते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। अगर आपको इजी वे पे जॉब चाहिए तो गणेश एजेंसी विजिट करो, लॉन्ग वे पे चाहिए तो आप ऑनलाइन साइट पे जाके वेट कर सकते हो, ठीक है। तो और भी अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनवाना है तो कमेंट कर सकते हो, ट्राई करूंगा मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत दोस्तों। We'll be right back.